अज दा जिहड़ा साडा विषय है आसा की वार, ये दो लैक्चर भी डॉक्टर हरभजन सिंह जी करनगे। आसा की वार दा एक विद्वान ने इनू बड़ा कहिंदे ने कि पखंड खंडनी बाणी है। तो समाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर जिहड़ी है, इवन पोलिटिकल भी जिहड़ी है सेध इस बाणी विच मिलदी है। एक जिहड़ा आइडियल पोलिटिकल सिस्टम कि होना चाहिए, आइडियल रिलीजन सिस्टम कि होना चाहिए, आइडियल सोशलिज्म सोसाइटी आइडियल किमें होनी चाहिए, आइडियल ह्यूमन बीइंग किमें होना चाहिए। तो ये सारिया गल्लां गुरु नानक साहब की यह बाणी है और गुरु अंगद साहब जी ने संपादना करन वेले गुरु ग्रंथ साहब की, गुरु अंगद साहब जी के 15 श्लोक जिहड़े ने अनुकूलता के अनुसार ये अंकित कर दिते। तो यह वारां की जिहड़ी गल है, आम करके जदों वारां की गल हुंदी है तो योध्या की टक्कर का हाल हुंदा, बहादरिया की चर्चा हुंदी है, पर यह सासा की वार विच जिहड़ी है गुरमुखता और मनमुखता की टक्कर की चर्चा है। और गुरु नानक साहब की बड़ी प्रमुख रचना, बड़ी अध्यात्मक मार्ग दसदी है। इस विच नेकी का, सच का, प्रेम का, श्रद्धा का और निम्रता का जस गाया गया और बदी कूड़ कर्मकांडा जड़ा वो उसनू गुरु नानक साहब ने मनफी किया है आम जिंदगी विच्चों। तो हुण मैं डॉक्टर साहब नू बेनती करांगा कि आसा की वार दी गल करांगे। आओ जी। परम प्यारे, परम सत्कारयोग सरदार हरिंदर पाल सिंह जी, चेयरमैन गुरमत कॉलेज, बुद्धिमान श्रोता जनों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। सत्कार योग सरदार हरिंदर पाल सिंह जी ने आज दिया इन दो क्लासा विच मैनू जो विषय दिता है उस तो आप जी नू परिचित करवा दिता गया है कि आज मैं तुहाडे नाल ये दो पीरियड का समा जो है इस विच आसा की वार विषय उत्ते विचार सांझे करने हैं। वार फिर साढ़े सामने, जदों असी वार कहिंदे आ तो अंग्रेजी का शब्द वार सामने आ जाता है, जंग, युद्ध। संस्कृत विच व्री तातु है, संस्कृत विच समय के परिवर्तन नाल कुछ भाव परिवर्तित होया है। सीधा वार दा अर्थ युद्ध नहीं रह गया, परंतु जिवें एक संस्कृत का शब्द है वारू, तो उत्थे जंगी हाथी, जंग करने वाला हाथी, जो जंग च वरत्या जाने वाला हाथी है वह अर्थ, उत्थे युद्ध भाव विच वारू शब्द है। वार का एक अर्थ है आवरण, पर्दा, ढकना संस्कृत विच। जदों युद्ध करता है कोई दूजे के प्रभाव नूं टक दिंदा है, तो ये समय के नाल भाव विच कुछ परिवर्तन आया है, मूल भाव वही है। क्योंकि शायद तुहाडे लैवल ते ये यूजफुल है जां नहीं कि भारत के आर्य लोग जिन्हां दा वेद धर्म ग्रंथ सी ते वैदिक लोग जिन्हां नूं असीं कहिंदे आ, ਉਹ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਦਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ते फिर हौली हौली हिंदुस्तान की धरती ते आए ने। इस करके
यूरोपियन भाषावां नाल संस्कृत की बड़ी गूढ़ी सांझ है, जिहड़ी मैं गल कल भी की सी कि 60% शब्द जिहड़े ने बड़ी आसानी नाल वेखे जा सकते हैं कि यह संस्कृत अंग्रेजी विच यह शब्द है। तो वार जिहड़ा शब्द अंग्रेजी का है वो लगभग उस भाव विच संस्कृत विच है, और असी पंजाबी विच बिल्कुल उसका जिहड़ा है थोड़ा जिहा भाव परिवर्तन होया, युद्ध काव्य हो गया। तो यह तो है शब्द का अर्थ। पंजाबी विच आके संस्कृत विच युद्ध काव्य अर्थ विच नहीं आया है शब्द, परंतु युद्ध नाल संबंधित होने करके शब्द वार का संबंध युद्ध नाल सी, इस करके भाव परिवर्तन हो के ये युद्ध काव्य के रूप में असी पंजाबी से ग्रहण करते हैं वार शब्द को। एक काव्य रूप ही यह बन गया है वार, जिस विच किसी युद्ध का वर्णन हो। इहदी वार की विशेषता यह होंदी है कि किसी व्यक्ति की समुची जीवनी नहीं इहदे आउंदी, जीवन की किसी एक घटना, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि हर वारी यह काव्य युद्ध नाल ही संबंधित रहा है। कदे कदे किसी का उदार सुभा, दानी सुभा, कदे कदे उहदी भी महिमा गाई गई है। तो अज के अर्थां विच जदों असीं इस पंजाबी काव्य रूप नूं लवांगे तां युद्ध काव्य नालों ज़्यादा यह महिमा काव्य बन जाता है, जिदे विच किसी का जस गाया होए। यह अर्थ सिरजन विच श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का अपना योगदान है, क्योंकि जिहड़ियां वारां पंजाबी साहित विच हन वड्डी गिणती विच गुरु ग्रंथ साहब दीआं वारां ने, इन्हां ने कंट्रीब्यूट कीता पंजाबी साहित नूं। इत्थे किसी युद्ध या योधे का वर्णन नहीं है, बल्कि प्रभु की महिमा का वर्णन है। इस करके इसनूं असीं महिमा काव्य कह सकते हैं, वह काव्य जिस विच किसी का जस गाया होवे वह काव्य कह सकते हैं। क्योंकि जिवें टुंडे असराजे की तो नहीं है, तो असराज दे किसी युद्ध का वर्णन नहीं है, उहदी जिहड़ी ढाडियां ने वार गाई असराज ते सारंग दी, उहदे विच युद्ध का वर्णन नहीं सी। उहदे विच तां वर्णन असराज की उदारता का सी कि असराज दे नाल उसके पिता ने माड़ा व्यवहार इतना किया कि असराज नूं मारन का हुक्म ही दे दिता। वह पूर्ण ते लूणा वाली कहानी जिहड़ी है वह बिल्कुल वह घर दी कहानी सी, जिस करके राजे ने कहा कि इहनूं मार दिओ। सियाने मंत्री ने मारिया ना, बांह कट के ते बादशाह नूं दिखा दित्ती कि मार दिता है। वो कोई काफला लंघ रहा सी, उस नूं अपने नाल लै गया। अगे जा के उन्होंने गुलाम उस वेले खरीदे विच जांदे सन, उन्होंने वेच दिता धोबियां कोल उस नूं। वो रोज कपड़े धोण लई लै जांदा सी, सवेरे सवेरे उठदा गधे ते कपड़े लद्दने ते बाहर घाट ते लै जाने, धो के लै आउणे रात नूं। राजा मर गया तो जेड़े मंत्री सन उस वेले दे लोग इतने स्वार्थी नहीं सन होंदे कि वह कहिंदे कि हाँ सत्ता मैनू मिली जा, सत्ता लई कोई संघर्ष नहीं होया। उन्होंने बैठ के मंत्रणा की कि राजा किनू बनाईए। उन्होंने कहा चलो राजा उसनू बनाईए जेड़ा सवेरे शहर का मुख दरवाजा सब तो पहला खुलवाएगा। असराज बेचारा गुलाम सी, सवेरे उठाया मालक ने लै जा कपड़े, सब तो पहला जाके उसने दरवाजा खुलवाया तो उसनों राजा बनाता गया। राजा बन के उस पिता की जिहड़ी रियासत सी उहदे विच अकाल पै गया, तो उसने मंत्री आस पास रियासतां विच भेजे कि कितों अनाज का प्रबंध हो जाए। असराज कोल मंत्री आ गया, मंत्री वो ही सी जिसने उहदी बांह कटवाई सी ते उसनों छड्ड दित्ता सी। वह मिलकर बड़ा खुश होया कि तू जिंदा है तो राजा बन गया है, तो बड़ी खुशी की गल है। तो असराज दे मन विच पिता प्रति बदले की भावना नहीं सी, वो बड़ा खुश होया और उसने अपने पिता की रियासत की मदद की। जदों राजे सारंग नूं पता लग्या तो बहुत खुश होया। तो असराज दे इस उदार दिली के कारण ढाडियां ने उसकी महिमा गायन की सी। इहदा काव्य रूप के जिहड़े ने कुछ लक्षण मैं तुहानूं दसने सन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच कुल 22 वारां हन।
श्री गुरु ग्रंथ साहब 22 वारां हन जिन्हां विचों श्री गुरु नानक देव जी दीआं 3 वारां हन। चार वारां श्री गुरु अमरदास महाराज जी दीआं हन। अठ वारां श्री गुरु रामदास जी दीआं हन। छे वारां श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दीआं हन। एक वार गुरु घर दे कीर्तनकार सत्ते ते बलवंत दी है रामकली राग विच। तो यह कुल 22 वारां श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच हन। गुरु जी ने वार नू एक नवीन रूप प्रदान किया है। वार पौड़ियां विच हुंदी सी। पौड़ी तुसी जिहड़ा ढाडी गायन है उहदे अपनियां कुछ खूबियां हन। वारां ढाडी गांदे सन। ढाडी शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच सिर्फ वारां च आया, होर किते नहीं आया। यह भी एक देखो गुरु साहब महाराज सच्चे पातशाह दा विवेक कितना काम करता है कि 10 वारां विच कुल 30 वार ढाडी शब्द वरत्या है। 12 तो बाहर ढाडी शब्द किते नहीं आया, सिर्फ 12 विच आया। हम ढाडी हर प्रभु खसम के नित गावें हरिगुण छंता, हों ढाडी बेकार कार है लाया रात दें कि वार तुरों फिरो। गुरु नानक साहब ने अपने आप नूं ढाडी किया तो ढाडी दा अर्थ हो गया जस गान वाला। जिहड़ा ढाडी कदे युद्ध दे प्रसंग गाण वाला सी उहदे अर्थां विच गुरु जी दे काल च परिवर्तन आ गया, वह जस गाण वाला हो गया, महिमा गाण वाला हो गया। तो गुरु साहब ने अपने आप नूं ढाडी किया ते वारां जिहड़ियां ने उन्हां नूं एक नवां स्वरूप प्रदान किया गया कि उन्हां दे विच श्लोक एडिट कर दिते गए। पहलां सिर्फ पौड़ियां हुंदियां सी। पौड़ी है सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी। जिहड़ा मैं ढाडी गायन की गल कर रहा सी कि हौली 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 क्लाइमैक्स ते जाना है, सीढ़ी दर सीढ़ी। गायन विच भी तेजी आउंदी जांदी है ज्यों ज्यों ढाडी गाणगे, क्योंकि हुण उह मूल विच युद्ध काव है तो वह फिर हौली 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 जोश आउंदा हुंदा, उहदे गायन विच तेजी, उहनां दे बोलण विच तेजी। तो यह सीढ़ी दर सीढ़ी उपर चढ़ते जाते हैं। इस करके इस दे एक पद नूं पौड़ी किया गया है। तो गुरु जी ने वारां दे विच श्लोक एडिट किए। पहला सिर्फ वारां जिहड़ियां सन वो पौड़ी विच हुंदियां सन। श्लोक एडिट करन दा मुख कारण यह सी कि एक तां रोचकता लियाउणी, दूजा जिहड़ियां पौड़ियां ने ते श्लोक है इन्हां दोवां दे सुभाव विच इक अंतर है। कल थोड़ा जिहा श्लोक दे अर्थ भी दस्से सन कि श्लोक विच लोक दी गल, समाज विच की वरत रहा है, राजनीतिक व्यवस्था किहो जी है, धार्मिक व्यवस्था किहो जी है, किहो जी व्यवस्था होनी चाहीदी है, ये गल्लां श्लोक विच डोमीनेट कर दियां ने। जिहड़ियां पौड़ियां ने तुसीं अज भी देखोगे कि पौड़ियां दे विच बहुता करके रब दी उस्तत है। आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाउ, दुई कुदरत साजिए करास निठो चाओ। श्लोक जिहड़े ने उहनां विच सिमल रुख सराय रात दीर्घत मुच, ओए जे आवें आस कर, या दया कृपा संतोख सूत जत कंडी सतवट। सूतक दी गल आ गई, श्राद्ध दी गल आ गई, राजनीतिक व्यवस्था दी मानस खाने करे निवाज छुरी बगायन तिन गलताग, ये चीज़ां आ गई। तो श्लोक जिहड़ा है ते पौड़ी, इसनों कई बारी एवें ही व्याख्या करके कहा जांदा कि जिहड़ी गल जिहड़ा श्लोक है उहदा भाव पौड़ी नाल मिलदा है। जिहड़ियां एडिट कीतियां वारां ने उहनां विच इह स्थिति नहीं है। पौड़ियां विच रब दी महिमा है सिर्फ, पर रब पर जिहड़ा व्यक्ति दा एक सिरजना करनी चाहिए, वह लोक नालों टुट के नहीं हो सकता। सिर्फ रब दी महिमा नाल ते कम नहीं चलेगा,
जिहड़े दुर्गुण हन समाज दे व्यक्ति दे उन्हां दुर्गुणां दा विश्लेषण करना ते सतगुणी बंदा किवें दा हो सकता है, ये गल्लां लोक दीआं आउणियां जरूरी हन। इस करके रब दी महिमा दे नाल नाल जिहड़ी पौड़ियां विच आई उहदे नाल सलोक एडिट कर दिते गए, श्लोक लगाए गए। तो एक तां एक बैलेंस रख लिया, प्रभु की उस्तत भी करनी है ते नाल नाल सचेत भी रहना भी समाजिक कुरीतियां आ ने, राजनीतिक कुरीतियां आ, समाज इहो जिहा हो गया, गिरावट आ गई है, उच्चे उठ किवें उठाया जा सकता है, धर्म जिहड़ा है उहदे विच किहड़ी किहड़ी कुरीति है, किहड़े किहड़े कर्मकांड ने, किहड़ी रूढ़ीवादता है जिहड़ी छड्डणी बनदी है, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਲਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੰਚਰਿਤ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਐਡਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲੋਕ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਦਾਂ ਦੀ। ਲੰਬੇ ਸਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਮਾਸ ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਲੋਕ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਸਲੋਕ ਦੋ ਪਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਕੰਪੈਕਟ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਮੇਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲੋਕ ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਖਤਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੈਤਸਰੀ ਕੀ ਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਦ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਦਿ ਪੂਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਨ ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਸੰਤ ਸਰਬਤ ਰਮਣਮ ਨਾਨਕ ਅਗਨਾਸਨ ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਲੋਕ 'ਚ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਲੋਕ ਹੈ ਤਿਆਕਤ ਜਲਮ ਨੈ ਜੀਵ ਮੀਨਮ ਨੈ ਤਿਆਗੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਮੇਘ ਮੰਡਲ ਹੈ ਬਾਣ ਬੇਧੰਚ ਕੁਰੰਕ ਨਾਦਮ ਅਲੀ ਬੰਧਨ ਕੁਸਮ ਬਾਸਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣੇ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੁੱਖ ਦਿਖਾਊ ਪਲਕ ਛਾੜ ਆਨਣ ਡੇ ਉਚਿਤ ਜੀਵਨ ਸੰਗਮ ਤੇ ਸਤਨੀ ਹਰੀ ਨਾਨਕ ਸੰਤਾ ਮਿੱਥ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਪੌੜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੂਬ ਹੂ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀਐ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਪਾਵੈ ਤਿਆਕਤ ਜਲਮ ਨੈ ਜੀਵ ਮੀਨਮ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਛਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਬੋਧ ਵਿਹੂਣਾ ਚਾਤ੍ਰਿਕੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਨੈ ਤਿਆਗੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਮੇਘ ਮੰਡਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਦਪੁਰੰ ਕਹਿ ਬੇਦਿਆ ਸਨਮੁਖ ਉਠਤਾਵੈ ਪਵਰ ਲੋਭੀ ਕੁਸਮ ਬਾਸਕਾ ਮਿਲਿਆ ਬੰਧਾਵੈ ਤਿਉਂ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਦੇਖ ਦਰਸ ਅਗਾਵੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਲੋਕ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੱਖਣੀ ਸਲੋਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੌੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮਾਰੂ ਦੀ ਵਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਲੋਕ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਚਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲੋਕ ਐਡਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਐਡਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਸੰਪਾਦਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸੋਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਲੇਖ ਆਏਗਾ ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ।
जो श्लोक वारां च एडिट नहीं हो सके वो श्लोक गुरु ग्रंथ साहब के अखीर दे विच जिहड़ा है वो अंकित किए गए हैं। उन्होंने राग विच नहीं रखा गया, एक यह भी ध्यान रखने की गल है। काव्य का सुभा शायद मैं समझदा भी मानवी बुद्धि च गल्लां आ नहीं सकदियां, गुरुआं नूं तां ही इन्ने उच्चे गिणदे आ। जे मानवी बुद्धि च आ सकदियां तां इह किते ना किते रागां विच किसे ने संपादित करते सन। श्लोक राग विच गायन करन दी वस्तु नहीं है, स्वैया एक काव है, जिवें कवीशर लोग गाते ने इस तरह गाया जाता है, राग विच इहदा गायन नहीं हुंदा। इस करके स्वैयां दे उत्ते राग नहीं चढ़ाया गया, राग थोड़ा खत्म हो गए सन, कत्ती राग उन्होंने अनेक प्रकार, फिर अगे 84 रागों का वर्णन गुरु जी ने रागमाला च किया है। तो राग तो नहीं सन मुक गए, रागों में एडिट हो सकते सन, परंतु इन्हों का सुभा राग रागात्मक गायन नाल श्लोक का और पौड़ी एदा सवैये का मेल नहीं है। इस करके जिहड़ा सवैया है जिन्हों कोई राग च गाएगा और जो कवीशरी च गाएगा कवीशरी का प्रभाव ज्यादा होएगा, क्योंकि उसकी रुचि है काव्य की। तुम गा के देखो इन, काची देह मोह फुन बांदी छठ कठोर कुचीलक ज्ञानी तावत ब्रह्मत रहनी पावत पार ब्रह्म की गति नहीं जानी। कितना ये मजा है, कितना स्वाद है, वह स्वाद नष्ट होएगा। श्लोक का सुभा तुम देखोगे और उसका परिपालन करने का तरीका गुरु जी ने किवें दसिया है। जदों असीं आसा दी वार गाते हैं पहला छंत गायन करते हैं, छंत का एक छक्का गाया जाता है। गुरु रामदास जी के छंत ने जेड़े कि एक ध्यान रखना है कि गुरु ग्रंथ साहब जी आसा की वार है उस दे विच छंत एडिट नहीं किए गए, छंत वक्रे हैं। जिहड़ा असीं पढ़ते हैं हर अमृत भिन्ने लोयना मन प्रेम रतन्ना राम राजे, जां पढ़ते हैं हर अमृत भगत भंडार है, या पढ़ते हैं हर युग युग भगत उपाया, ये सारे छंत ने गुरु रामदास जी दे ए आसा की वार तो ये पहला आ जाते हैं। जो कोई पन्ना नंबर में रखे कोई 448 तो 451 के विचकार ने, जदों कि आसा की वार 462 या 464 शुरू होती, 462 से शुरू होती। तो छंत जड़े ने ये गायन की परंपरा जदों हरिमंदर विच मर्यादा स्थापित की आसा दी वार दे गायन दी, कहा जाता है कि उदों ये नाल जिहड़े सन छक्के भी मिला के गायन की हदायत गुरु अर्जन देव महाराज जी ने की सी कि 24 छक्के सन 6 छंतां दे, एक छंत दे 4 छक्के 4 पाठ 24 पौड़ियां सन, एक एक छक्का एक एक पौड़ी दे आरंभ विच लगा दिता श्लोक तो पहला। हुण जदों असीं छक्का गा लैंदे आ पौड़ी भी गाते हैं असीं ताल नाल, श्लोक नूं गाण लग्गिआं ताल बंद कर दिंदे आ, फिर उन्होंने सुरां ते उहदा उच्चारण किया जाता है। तुसीं देखते हो ना बारी बारी उच्चारण करदे आ, क्यों? क्योंकि श्लोक पाठ की चीज़ है, गायन की चीज़ नहीं है। इस करके उन्होंने तालबद्ध नहीं गाते असीं अजे भी परंपरा का। असीं किस तरह काव्य का ध्यान साढ़े बजुर्गों ने सानूं सिखाया सी कि किवें रखना काव्य दे सुभा का ध्यान किवें रखना, एक बड़ी वड्डी चीज़ है जिहड़ी सानूं वेखण नूं ते असीं कदे ध्यान नहीं दिता भी ये की चीज़ है। छक्का गा लिया किसी ने, पौड़ी भी गा ली, श्लोक जिहड़ा है उहनूं ताल च गाया जा सकता सी, परंतु जे उहनूं तालबद्ध कर भी दिता जाए तां उह स्वाद नहीं आएगा जिहड़ा उहदा उच्चा वारी वारी उच्चारण विच इक ने गाया दो पंक्तियां दूजे ने गाईआं दो, उह उहनां दे पढ़न दा जिस जिहड़ी विधि है उहदे च आनंद है उहदा है, क्योंकि उहदे सुभा नाल उही चीज़ मैच करती है। जे उहदे सुभा दा उलंघन करदे आ, जे राग दे सुभा दा उलंघन करदे आ, तां उह भरपूर आनंद उस राग दा नहीं आ सकता। बाणी दे सुभा दा उलंघन होवेगा ते उहदे विचों वी उह फिर आनंद जिहड़ा उहदा आउणा है, जिहड़ा काव्यक आनंद आउणा है, जिहड़ा उहदे विच है अध्यात्मक उपदेश तों इलावा, उह स्वाद तों असीं वंचित हो जावे, वांझे रह जावे। तो गुरु महाराज सच्चे पातशाह ने हर चीज़ का गंभीर चिंतन करवा के
ते हर चीज नूं सूखमताई नाल सोचण वा सोचण दा सानूं मार्ग दस्सिया है। सिख दे सवाल विच बहुत घट किंतु पैदा हुंदा है कि ये पौड़ी जिहड़ी है दुबारा क्यों पढ़ी जाती है, या पौड़ी तबले वाले नूं क्यों कहा जाता तू पढ़, दो बंदे बैठे ने वह पढ़ सकते, उन्हें चो कोई पढ़ सकता है, चलो विचकार वाले ने जो थोड़ा आराम लेना है भी गले थोड़ा जा ठीक हो जाए नाल वाला पढ़ पौड़ी, परंतु नहीं वह तबले वाले नूं कहा जाता है। कारण ये वे उपदेश ये वे कि साज बजाण वाला बाणी नालों टुटिया ना हो, तबले वाले नूं भी बाणी आउंदी हो, सिर्फ कलाकारी वास्ते ना आए, सिर्फ कला के प्रदर्शन लिए ना आए, बाणी के कीर्तन में उह शामिल होवे, क्योंकि जदों वह तबला बजाएगा जे वह नाल नाल गाएगा तो तबले विच वह रस पूरा नहीं, क्योंकि तबला बजन की क्रिया जी उसके शरीर ने हिलना है, वह इस करके जदों पौड़ी दोबारा पढ़नी है हुण तबला बजाउण की लोड़ नहीं, तो उन्हें कहा जाता कि भाई हुण तू पढ़ पौड़ी, तो पौड़ी दोबारा पढ़ने की लोड़ इस करके है कि परम एक तो पौड़ी वार दा जिहड़ा है वह केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु श्लोक नहीं है ना छक्का है, वार दा असल रूप पौड़ी है, पौड़ी जिहड़ी है उसनूं दोबारा इस करके पढ़ना है, और दूजा कारण ये कि उहदे विच तबला जिहड़ा परंपरागत वजाया जांदा सी हुण ते परंपरा भुल गए सी, वह बड़ा जोर शोर नाल वजाया जांदा सी जिहदे विच कई वारी शब्द गुम हो जांदा सी, ते पौड़ी बिल्कुल कलैरिटी नाल सुनाई जा सके संगत नूं, इस करके वो तबला रोक के ते फिर कहा जाता सी पौड़ी दोबारा पढ़ लै। ये तुसी देखो सही अज की है जदों रागी सिंगर सिंह शब्द पढ़ते हैं ना तो गल तो यह होंगी कि उन्होंने अभ्यास कोई नहीं, जे असी कहांगे राग च नहीं पढ़ते नहीं जी असी शब्द गायन करना है। गुरु जी ने ना कुरबानी राग की दिती ना शब्द की, उन्होंने वेख्या कि पौड़ी के गायन में जदों तक तबला खुला नहीं बजेगा तदों तक यदि रागात्मकता बनेगी नहीं। दूजी समस्या है कि तबले में जो बोल पखाव उस वे पुराने टाइम च पखाव जां मृदंगा होंदिया सी कि जे इन्हां विच बोल गुम होंदे ने तो पौड़ी दोबारा पढ़ ली जाए, ना शब्द का नुकसान होया ना राग का नुकसान होया। हुण शब्द के नाम से क्योंकि अपने पास कला नहीं है अपना दुर्गुण छुपाने लिए असी कह दें जी असी तो सिर्फ शब्द गाने राग नहीं गाते। गुरु जी ने कितना हर चीज़ का ध्यान रख्या है, काव्य का ध्यान रख्या, राग का ध्यान रख्या, शब्द का ध्यान रख्या, और सारिया चीज़ों एक संतुलित रूप में मनुख के सामने रख्या है, ना राग सिर्फ कला के प्रदर्शन वास्ते होवे ते ना सिर्फ शब्द का आसरा लैके झूठा झूठा बंदा कहे कि राग की लोड़ ही कोई नहीं, तो एक संतुलन आसा की वार दे विच सानू जिहड़ा है वह प्राप्त हुंदा है। मैं ये बेनती कर रहा कि गुरु ग्रंथ साहब दो प्रकार दी वारा हैं, एक संपादित वारा जिन्हां च श्लोक लाए गए हैं, तो एक वो वारा जिहड़ियां वारा इक्का दुक्का ही हैं जिदे प्रमाण मैं जैसरी जिन्हें श्लोक नाल नाल उचारे किए उचारण किए हुए हैं। एक चीज़ होर जिहड़ी वार दे संबंध में चर्चा करनी योग बनती है वह है कुछ वारा दे पिछे शुद्ध अते शुद्ध कीचे लिखा हुआ है, आसा की वार दे पिछे भी शुद्ध आउंदा है, जदों खीर विच असीं पढ़दे हाँ पौड़ी वड्डे कियां वड्डियां किश कहना कहना जाए सो करता कादर कीन दे जिया समय साई कार कमावनी तो छोड़ी तिने पाए नानके की बाहरी और दूजी ना ही जाए सो करे जित सहर जाए शुद्ध, असीं पढ़दे हाँ शुद्ध, तो यह समझ लेना चाहिए कि शुद्ध क्यों लिखिया है। वास्तव विच जदों श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की संपादना हो रही है तो भाई गुरदास जी मुख लिखारी सन, होर सहायक लिखारी सन उन्होंने पास, भाई गुरदास मुख लिखारी सन, वो रागों में गुरु जी के निर्देश अनुसार शब्दों नूं तरतीब करते सन, तो वारा जिहड़ियां सन उन्हां विच श्लोक लगाउंदे सन, श्लोक लगा के वारा दे विच फिर वारा गुरु अर्जन देव जी नूं तो चैक करवाउंदे सन कि यह श्लोक ढुकवें हन ठीक लग गए ने। गुरु अर्जन देव जी उसनों देख के ते फिर शुद्ध लिख देते सन ठीक है
शुद्ध की इच्छा का मतलब है शुद्ध कर लो जी। हुण इहदा भाव यह नहीं कि जे एक वार दे पिछे है शुद्ध कीचा है, इहदा मतलब यह नहीं कि शुद्ध किया नहीं गया इस करके शुद्ध कीचा लिखिया रह गया। इहदा मतलब सिर्फ इतना कि इसनूं बचाया गया शुद्ध का मतलब समझने वास्ते, कि शुद्ध का मतलब किसी को समझ नहीं आएगा कि बाकी बाणी कोई अशुद्ध है, वो सिर्फ कुछ वारा पिछे ही शुद्ध लिखा होया ते होर किसी बाणी नाल शुद्ध नहीं है। तो शुद्ध कीचा शुद्ध के मतलब नूं समझाने वास्ते उन्हों बचा लिया गया है। भाई गुरदास जी ने लिखे शुद्ध कीचै, गुरु जी लिख देंदे शुद्ध शुद्ध कर लिया। जदों पहली वार श्री गुरु ग्रंथ साहब की आई श्री रिया श्री राग की वार, महले चौथे की वार है श्री राग की, तो असी जदों करतारपुरी बीड जी गुरु अर्जन देव जी ने लिखवाई असी प्रमाणिक रूप में मानते हैं भी ये गल प्रमाणित है कि ये ओ बीड है जी गुरु अर्जन देव जी ने लिखवाई सी ते भाई गुरदास जी ने लिखी सी। जिहड़ी इहदी वार श्री राग की पहली वार आई उहदे च असीं देखते हैं भी उहदे च कटिंग कई थावां ते है, उहदे च कुछ श्लोक कट्टे ने, कुछ श्लोकां दा स्थान बदलण दा निर्देश है, इहनूं उत्थे लै जाओ उत्थे पढ़ना है। फिर उहदे विच इक उकाई इह रहि गई कि श्लोकां नाल मैला नहीं सी लिखिया गया। फिर गुरु अर्जन देव जी ने भाई गुरदास जी नूं इह कहा होवेगा कि ਇਹ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਤੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਰੀਕ ਕਲਮਨਾ ਵਿੱਚ ਘੁਸੇੜ ਘੁਸੇੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਸੀ। शुद्ध दा भाव यह है। दूजी चीज यह गुरु ग्रंथ साहब की वड्याई सिर्फ इतनी नहीं कि गुरु अर्जन देव जी ने अपने मार्ग दर्शन विच लिखवाया, बल्कि यह विशेषता कि उन्होंने बाणी लिखे जाने तो बाद बाणी नूं चेक किया कि ठीक है या नहीं। किसी सिख दे विद्वान सिख भाई गुरदास वर्गे दे उत्ते भी इस सिख उत्ते नहीं छड्ड दिता गया, गुरु ने हर काम नूं आप संपूर्ण किया है जिहड़ा काम श्री गुरु ग्रंथ साहब की संपादना नाल संबंधित सी। इस करके कुछ वारां दे अखीर दे विच शुद्ध शब्द आया है। जिहड़ियां 22 वारां साडे पास उपलब्ध ने, सारंग की वार सब तो ज़्यादा पौड़ियां हन, 36 पौड़ियां की वार है। इस तो छोटी जिहड़ी है वह गुरु रामदास जी की ही गौड़ी राग की वार है जी कि 33 पौड़ियां ने। तो सब तो छोटी वार बसंत की वार है जिदे सलोक भी कोई नहीं, सिर्फ 3 पौड़ियां, सिर्फ 3 पौड़ियां की वार जी है वह बसंत की वार है। ये इन्हों का जोड़ा है बारला जहा जरा वारा का स्वरूप है। एक चीज़ वारा के संबंध में होर कहनी बनती है कि कुछ वारां उत्ते धुनियां अंकित होईयां ने।